तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बुल्गारिया और रोमानिया के बारे में, क्योंकि आपको पता है कंटिन्यू न्यूज़ें आ रही हैं कि बुल्गारिया और रोमानिया भी फर्स्ट पहली अप्रैल से 2024 से जो है कि शेंगेन वीजा इशू कर रहा है, वो भी बाई फ्लाइट और जो है कि बाई शिप से। जो लोग समुद्री रास्तों से यात्रा करना चाहते हैं और बाई फ्लाइट से यात्रा करना चाहते हैं, उन लोग के लिए बुल्गारिया और रोमानिया भी 1 अप्रैल से शेंगेन वीजा इशू कर रहा है। तो जो लोग क्रोशिया के अंदर हैं और बुल्गारिया और रोमानिया जाना चाहते हैं, वो लोग भी बाई एयर और बाई शिप से बुल्गारिया और रोमानिया जो है कि जा सकते हैं, वहाँ पे जाके घूम सकते हैं। कोई बॉर्डर चेकिंग नहीं है, बॉर्डर फ्री है बाई एयर और बाई शिप से। अगर आप वही चीज़ बाई रोड जाते हैं तो आपको बॉर्डर पे चेकिंग करना पड़ेगा। आपको बॉर्डर पे, आप बॉर्डर के आगे नहीं जाने देंगे, क्योंकि अभी तक 1 अप्रैल से चालू होने वाला है बाई शिप और बाई जो है कि एयर। दोस्तों आपको पता है कि हमने बात करें हैं बुल्गारिया और रोमानिया के बारे में, तो आने वाले दिनों में अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हैं बुल्गारिया और रोमानिया जाने के लिए, तो बहुत गोल्डन चांस रहेगा, बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वहाँ के लिए भी अभी। तो आप भी वहाँ का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो बुल्गारिया और रोमानिया के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में वो भी कंट्री शेंगेन हो जाएगी। तो आप भी सोच रहे हैं कि हमें कहीं और, लेकिन वही है चीज़ कि वहाँ का थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लंबा टाइम भी लग जाता है वहाँ का भी। और अभी आने वाले दिनों में हम भी शुरुआत करेंगे वहाँ के भी लिए, तो देखते हैं क्या होता है और कैसे काम बनता है। तो फिलहाल अब आपके लिए गुड न्यूज़ था कि बुल्गारिया और रोमानिया भी शेंगेन जोन का हिस्सा बन जाएगा कुछ दिनों के बाद। तो वैसे ही हम जो है कि अभी क्रोशिया में हैं, तो क्रोशिया से अगर हमको जाना है बुल्गारिया चाहे रोमानिया जाना है घूमने के लिए, अभी तो कोई इशू नहीं है, हम अप्रैल महीने से जाके घूम के आ सकते हैं और वहाँ का विजिट कर सकते हैं। लेकिन आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप चाहे किसी भी कंट्री में जाओ, आप पुर्तगाल, इटली, जर्मनी, फ्रांस, किसी भी कंट्री में जाओ, वहाँ जॉब करने के लिए आपको उस कंट्री का परमिट चाहिए, उस कंट्री का परमिट चाहिए। जब तक परमिट नहीं मिलेगा तब तक आप काम नहीं कर सकते हो। लेकिन परमिट लेने के लिए सबसे पहले आपको एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा, आपको एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉयर आप ढूंढ लेते हैं तो उसके बाद आपको जो है कि आप जॉब ऑफर आएगा, जॉब ऑफर पे साइन करेंगे, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद जाके वो आपका परमिट आएगा। परमिट आने के बाद आप उसके बाद ही जाके वहाँ पे काम कर सकते हो, उसके पहले आप काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ठीक है, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, कई बार न्यूज आ रहा था तो मैंने सोचा चलो आप लोग के बीच में जो है कि वीडियो बना के ला देते हैं, बता देते हैं, समझा देते हैं भैया कि आने वाले दिनों में बुल्गारिया और रोमानिया भी शेंगेन जोन का हिस्सा बनने जा रहा है। तो जो लोग भी सोच रहे हैं कि हमें बुल्गारिया और रोमानिया नहीं जाना चाहिए, वो लोग गलत सोच रहे हैं। उन लोग बुल्गारिया और रोमानिया भी जाना चाहिए उनको, और वहाँ का भी वर्क परमिट लेना चाहिए। तो ऑलरेडी कई मेरे सब्सक्राइबर जो रोमानिया में रहते हैं, लोग से बात हुआ था, तो बेहतर है वहाँ भी अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं और अच्छा खासा पैसे अर्न कर रहे हैं वहाँ पे। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए वहाँ के लिए और वहाँ पे जाइए और पैसे कमाइए। वहाँ भी अच्छी कंट्री, बुल्गारिया और रोमानिया भी अच्छी कंट्री है, वहाँ भी अच्छा है बाकी कंट्री की अपेक्षा। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम आपको मोटिवेट करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।